दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सुनवाई होते हुए 2 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली के अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और 10 मई तक बेड की व्यवस्था पर अब अगली सुनवाई होगी। यानी अस्पतालों में जो बिस्तरों की दिक्कत हो रही है, पेशेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, उस पर सवाल खड़े किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता और जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, क्या खबर है? सुमित, आज जब दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई का 17वां दिन है और आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने सबसे पहले दिल्ली के अस्पतालों में जो बेड की कमी है उसको लेकर के सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल इस वजह से पूछा गया कि कल जब हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी उसी दौरान कोर्ट ने कहा कि उनको जानकारी मिली है कि GTV अस्पताल में बेड खाली है, लेकिन जब कोर्ट के सलाहकार ने हकीकत चेक की तो पता चला कि जानकारी जो कोर्ट को दी गई है वो सही नहीं है, क्योंकि भले ही ऑनलाइन दिख रहा हो कि बेड खाली है लेकिन हकीकत में बेड नहीं खाली और मरीज परेशान है। जिसके बाद में जो कोर्ट ने आज जब सुनवाई की तो दिल्ली सरकार से कहा है कि वो बेड की स्थिति क्या है इसके बारे में कोर्ट को ताजा जानकारी दे, स्टेटस रिपोर्ट दे, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। तो मैं एक और अपडेट इस बीच में देना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने अभी कोर्ट को बताया है कि कोर्ट के सुझाव के आधार पर अब दिल्ली में ऑक्सीजन के स्टोरेज को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है और जो आइनॉक्स ऑक्सीजन सप्लायर है उससे बातचीत की गई है। तो अब कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में दोबारा इस तरीके के हालात न बने, उसको और भी प्रयास किए जाए। ऑक्सीजन की कमी को लेकर चीज़ों को दूर करने की कोशिश हाईकोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बेड को लेकर भी हाईकोर्ट को चिंता है। अंकित, सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली सरकार का रुख कैसा है? जब दिल्ली सरकार से ये पूछा जाता है कि बेड क्यों नहीं है, अस्पतालों में क्यों भीड़ लग रही है, क्यों पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उस पर दिल्ली सरकार का रुख क्या था? अमित जी, अगर हम बात करते हैं दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार कह रही है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो हम बेड का और ज्यादा इंतजाम कर पाएंगे। केंद्र सरकार जो है अपनी दलीलें देती है और इसी वजह से अगर हम पिछले 3-4 दिनों की सुनवाई को ही देखते हैं तो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, दोनों को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और दोनों ही जो सरकारों के लिए शुतुरमुर्ग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ इस वजह से किया कि आप परिस्थितियों से बच नहीं सकते सिर छुपा करके। तो आज भी जब सुनवाई हुई है तो दिल्ली सरकार ने यही बताने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन सप्लाई कुछ तक जो है मिलने लगी है और अब हम फोकस आगे को लेकर के कर रहे हैं। लेकिन सुमित, एक और अपडेट देना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में आज कहा, जब कोर्ट ने पूछा कि कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, अब हमको ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के दिक्कत आ रही है और उस ओर प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर दिक्कत आ रही है, ऑर्डर आ चुका है कि 700 मीट्रिक टन देनी है। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली का जब यह हाल है, जैसा कि अंकित की बातों से पता चलता है, पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।